Hello everyone, Atia here. Welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel, guys. I am back with a new and an interesting video. आप thumbnail और title से समझ गए होंगे. Yes, आज हम इस molded और clay से कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ क्रिएटिव बनाने जा रहे हैं. वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दो गाइस. प्लीज हेल्प मी टू ग्रो एंड आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू. फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारा, इनफैक्ट इससे अच्छा अच्छा वाला वीडियो लेके आऊंगी. ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. तो ये फेविक्रिल का मोल्डिट है. इसका प्राइस है 25 रुपीज़. आप अगर चाहते हो तो इसका बड़ा वाला पैकेट भी ले सकते हो. ये मेरे जैसा फर्स्ट ट्राई आदमियों के लिए कन्वीनियंट है. ओके, व्हेन यू ओपन इट यू विल फाइंड टू सेपरेट पैकेट्स ऑफ रेजिन बेस एंड हार्डनर. तो इसे यूज़ करने के लिए उसका इक्वल पोर्शन लेना है एंड आपके हाथों से इसे मिक्स करना है. एकले किसी भी सरफेस पे चिपके ना, इसलिए मैं टैल्कम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ. एंड अब इसे बेलना शुरू करते हैं. इसे थोड़ा मोटा रखिए एंड इसे बेलने में मार्कर का यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ कैड का पेंडेंट बना रही हूँ, इसलिए कैड के आउटलाइन क्ले के ऊपर रख के एक डिटेलिंग ब्लेड के हेल्प से इसे कट कर रही हूँ. एंड इसका गूगली आइस बनाने के बारे, क्ले से छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और फिर इसे प्रेस करें. ये हो गया ना परफेक्ट सर्कल आंखों के लिए. कैट है तो पूंछ तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए हमें क्ले को रोल रोल बेलना है. मैं यहाँ एक ट्रांसपेरेंट लिड ली हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस विजिबल हो. पूंछ अटैच करने के बाद जैसे को एक कोट अप्लाई करेंगे एंड उसके ड्राई होते ही पेंट करना शुरू करते हैं. मैं यहाँ अपना ही एक रैंडम कलर बना के पेंट कर रही हूँ. इसके आँख, नाक, पूंछ को कलर करने के बाद इसे चमकाने एंड प्रोटेक्ट करने के लिए वॉनिश का एक कोट अप्लाई करेंगे. फाइनली एक जंप रिंग अटैच करते हैं एंड इट्स डन. आप इसे पेंडेंट या कीचेन के जैसा यूज़ कर सकते हो. मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड वर्क, मैं यहाँ एक ब्यूटीफुल इयर रिंग बना रही हूँ. इसके लिए पहले आपको दो छोटे क्ले का बॉल्स बना के प्रेस करना होगा एंड इसके दोनों एंड्स में छोटे होल्स कर लीजिए. अभी बड़ा वाला दो क्ले का बॉल बना के इसे भी प्रेस कर लीजिए. इसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कीजिए. एक हिस्से के बीच का पार्ट निकालिए, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ टिक, वैसे ही होल्स बनाइए. ये होल करने का प्रोसेस आपको क्ले ड्राई होने से पहले करना है. एंड क्ले के ड्राई होने के बाद एज यूजुअल जिसो के एक कोट अप्लाई करेंगे, उसका ड्राई होने के बाद पेंट करना शुरू करते हैं. इयर रिंग के ऊपर के पोर्शन के लिए पर्पल, नीचे वाले पोर्शन के लिए ग्रीन एंड मिडल में इन दोनों कलर्स और ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करके अपने ही कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ. इस कलर्स के ड्राई होने के बाद हमारे इयर रिंग्स प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए वॉनिश का एक कोट अप्लाई कर देंगे. अब वन बाय वन सारे होल्स में जंप रिंग अटैच कर लेंगे. इन जंप रिंग्स को आपस में अटैच करने के लिए एक और जंप रिंग अटैच कर लेंगे एंड लास्ट में एक इयर रिंग ऐड करना मत भूलना. एंड हमारा ब्यूटीफुल इयर रिंग बन के रेडी है. हियर आई हैव मेड वन मोर ब्यूटी. लुक एट दैट क्यूट लिटिल डाइस. चलते हैं अपने नेक्स्ट पीस की ओर. मैं यहाँ एक किचन बना रही हूँ रेनबो एंड स्टार्स वाला. तो पहले क्ले को रोल एंड रोल बेल के एक के अंदर एक लगाते जाओ. जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो ये क्ले ड्राई होने से पहले एक हुक घुसाएंगे. अब मैं यहाँ स्टार्स बना रही हूँ. स्टार्स में भी जंप रिंग अटैच करने के लिए होल ज़रूर बनाएगा.
वंस इट्स ऑल ड्राई एंड हार्ड, अब इन्हें कलर करने की बारी है। मैं यहाँ रेनबो के कलर्स दे रही हूँ, ऑब्वियसली अब रेनबो बना रही हूँ तो रेनबो का कलर ही देना पड़ेगा ना, साथ में हमारा स्टार्स को भी कलर कर लेंगे। एंड वॉर्निश इज मस्ट, अब जंपरिंग अटैच कर लेंगे। एंड लास्ट में एक की चेन रिंग लेके उसमें सारे पीसेस को वन बाय वन असेंबल कर लेंगे। एंड द मोमेंट कम्स, लुक हाउ ब्यूटिफुल इट टर्नड आउट। इसे तो मैं अपनी स्कूटी की की के लिए एज अ की चेन यूज़ करने वाली हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ बनाने वाले हैं रिंग, आई मीन फिंगर रिंग। प्रोसेस तो सेम है, रोल रोल बेल के दबाना है। अभी क्ले को एक मार्कर के अराउंड लपेट कर एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। मैं यहाँ अपनी रिंग को सुंदर बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। वंस इट्स ऑल डन, हम जैसों का एक कोट लगा के कलर कर लेंगे। रिंग के लिए पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा पार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर, एंड उसमें एक छोटू सा हार्ट भी ऐड कर लेंगे। हमारा ब्यूटी बनके रेडी है। ऐसे ही दो और रिंग मैं ऑलरेडी बनाई हूँ। वेट आई विल वेरी टाइम शो यू गाइस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू हैव फ्री टाइम और यू आर बोर्ड एट होम, ट्राई दिस। Trust me, you're gonna have lots of fun creating these cute stuffs. And if you try it, don't forget to share the picture with me on my Instagram. So today's shout out goes to Nusaiba Nuchi and Chair of Heart. Sorry if I pronounced your name wrong. If you like this video, hit that thumbs up button and share this video with your friends and family. See you soon with a new video with a new content.